काफी देर से ट्राई कर रही हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ है? अमी कोमल का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग इसे लिए हॉस्पिटल में। क्या कैसी है वो? मैं मेरी बहन है, मैं उसके एक्सीडेंट के बारे में सुन के डर गई थी। ओ, तुम डर गई? I'm sorry. तुम डर गई थी? ऐसी मैं भी देखना चाहता हूं तुम कैसे डरती हो। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो तो वहां कोई ड्रामा सोसाइटी या थिएटर क्लब तो होगा, वो करते हैं ना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अब तुम डॉक्टर हो और मैं एक पेशेंट, एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तकलीफ हुई है और मैं आया हूं और तुम डर जाओ, ठीक है? साहब प्लीज, टेंपो ना करो, राइट? एटमोस्फियर बिल्ड कर रहे हैं, मेंटेन इट, रेडी? ओके, 4, 3, 2। डॉक्टर प्लीज हेल्प करें, मेरा हादसा हो गया, मैं बहुत दर्द हो रही, प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर हेल्प मी प्लीज। तुम रिएक्ट ही नहीं कर रही हो, कम ऑन। ऑलराइट, ट्राई इट अगेन, रेडी? 4, 3, 2। प्लीज, बहुत दर्द हो रही है, हेल्प मी डॉक्टर। तुम्हें कोई एहसास ही नहीं? मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूं। आई नो इट्स मिसिंग, इसमें रियलिटी नहीं है ना, कैसे डाले इस सिचुएशन में। नाउ आई नो व्हाट टू डू। रियलिटी चाहिए ना तुम्हें? ओके साहिब, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे, मैंने कहा ना मुझे माफ कर दे, मैं आगे कहीं नहीं जाऊंगी। साहिब, साहिब क्या किया आपने? बैठे, क्यों खुद को तकलीफ देते हैं आप? क्या मिलता है सब कुछ करके? प्लीज साहब, प्लीज ऐसा मत कहेंगे, प्लीज दरवाजा खोले।
साहिर प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे अनजाने में गलती हो गई साहिर, प्लीज साहिर खुदा के वास्ते प्लीज मुझ पर रहम करे, दरवाजा खोल दे साहिर। थैंक यू बेटा, ये रख लो। अरे नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं प्लीज। अरे बेटा, तुम्हारा हॉस्पिटल में भी तो खर्चा हुआ होगा ना। अरे नहीं आंटी, आप मेरा बच्चा शर्मिंदा करें, और अगर साहिब को पता चल गया तो अच्छी खासी क्लास ले लेगा वो मेरी। अच्छा थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं अंकल, लाइफ इज ऑल माइंड, इनफैक्ट इसी बहाने मुझे खिदमत करने का मौका मिल गया। अच्छा तुम बेटा, मैं जरा अम्मा को मिल गया। जी। और बेटा मैं आज तुम्हें चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। आंटी मैं भी आज चाय पिए बिना जाने वाला नहीं। चलो फिर मैं बना के लाती हूँ। कोमल तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है अपनी? नहीं कोमल, आई एम सीरियस। ओके मेरा ख्याल रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। अरे बाबा अभी वो वक्त नहीं आया ना। तो किस बात का इंतजार है? इकरार का। कह देना। पहले तुम। मेरी आंखें बहुत पहले ही सब कुछ कह चुकी हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मैं इस पर अपने दिल से मोहर लगाता हूँ। किस पर? मोहब्बत पर। देखो कोमल, तुम कहो या ना कहो पर मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। अरे शहरयार। अरे बेटा, अम्मा कह रही थी कि जाने से पहले उनसे मिलते जाना। हाँ जी आंटी जरूर। मैं चाय बना रही हूँ। तुम्हारे घर से फोन, बात करो। हेलो। सॉरी आज मुझे थैंक यू कहने का आपको मौका ही नहीं मिला। वो एक्चुअली आपने मुझे अम्मी की डांट से जो बचा लिया, वरना अम्मी तो गले को आ पड़ती हैं। प्लीज अपना ख्याल रखो, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती है। अच्छा ठीक है, फौरन अम्मी ना बन जाया करें आप भी। ले अम्मी से बात करें। हेलो ऐशल बेटा, तुमने जो किया वो ठीक था। इतना थोड़ा सा वक्त निकाल कर बात कर लेते हैं। एक आध मिनट से क्या फर्क पड़ता है? पता है हम सब यहाँ कितने परेशान थे। जी अम्मी, मुझे उस वक्त ख्याल नहीं रहा, आइंदा शिकायत नहीं होगी आपको। कि साहिर ने तुम्हें गाड़ी लेकर दिए, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा लेकिन मुबारकबाद दूंगी तुम्हें। I'm really sorry, अम्मी, मैं आपको बताना भूल गई, साहिर ने मेरे लिए बहुत कीमती तोहफा लिया, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। In fact, मैंने तो गाड़ी चलाना भी सीख लिया, अब से यूनिवर्सिटी में खुद जाया करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह से आबाद और सुखी रखे अपने घर में।
हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। साहिर, साहिर, वो कोमल की शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? जी अम्मा। अच्छा लड़का है, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। आप शहजाद की बात कर रही हैं? हाँ। सोचते हैं अम्मा। वसीम तुम ऐसे करो कि ईशिल को और साहिर को खाने पे बुला लो, उनकी राय लेना भी जरूरी है। अच्छा अम्मा, करता हूँ फोन। अभी आप ऐसा मत सोचें, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ इंशाल्लाह। मैंने रात को कई चक्कर लगाए, देखा तुम्हारी आंखें बंद, शायद सो गई। रख दिल पर हाथ जरा, कितनी बेवफा निकली हुई। दर्द तो कम हो मेरा, मैं रात भर सो नहीं सका। पर हाथ जरा, और तुम क्या आराम से सो? कुछ दर्द तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, देर हो गई। कम ऑन, गेट अप, फ्रेशन अप, लेट्स गो। मुझे अम्मा तो कोई बात ही नहीं कर रही, लगता है गहरी नींद में है, शायद दवाइयों का असर है। सच वसीम, मैं तो रात डरी गई थी कि अगर अम्मा की तबीयत ना संभली तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। होता है इस उम्र में। तो कल रात को अजीब अजीब बातें कर रही थी। कोमल को लेकर? नहीं, ईशर को लेकर। कह रही थी कि मैंने ईशल की आंखों में खौफ देखा है, वो खुश नहीं है। और जब मैं सबसे कह रही थी तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, अम्मा भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है शमसा, ये सब ख्यालात अम्मा के जहन में तुमने डाले। ईशल खुश है, साहिर ने उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया है, गाड़ी लेकर दी है, ड्राइविंग सिखलाई है, हर तरह की आजादी दे रखी है, और क्या चाहिए होता है। मगर वसीम मैं, अगर मगर कुछ नहीं शमसा, ना तुम इस बारे में कोई बात करोगी ना अम्मा। अम्मा को नाश्ता कराओ, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, चेकअप कराते हैं उनका अपनी तसल्ली के लिए। अम्मा सो के उठ जाएं तो फिर उन्हें नाश्ता करवा देती हूँ, फिर ले चलेंगे। चलो 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 चलो, तुम कहाँ जा रहे हो?
यूनिवर्सिटी और कहा? यूनिवर्सिटी। तुम्हारी क्लास तो देर से है ना? अब देर से है तो क्या हुआ बाबा, मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है तो उतर जाता हूँ। नहीं बैठ के जाओ तो फिर, अब चलो। श्योर गॉड आई एम टू गुड एट इट राइट। वैसे भी मैं कौन सा उतरने वाला है? अब लुक क्या दे रही हो राइट right? To begin an essay, a person must have a proper research on the particular topic. Brainstorming is also very important. Ask yourself dozens of questions and answer them. कुर्बान भाई यहाँ? जी ईशा, आपने कुछ कहा? वो actually मुझे एक बहुत important phone call करनी है घर पे, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? हाँ जी आप बाहर जा सकते हैं। थैंक यू। कुर्बान भाई, ईशल ये तुम अपना मोबाइल क्लासरूम में भूले, तुम्हारी बहन का फोन है। हेलो कोमल, कोमल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अभी दादी। कोमल कुछ तो बताओ, रो क्यों रही हो, क्या हुआ है दादी को? दादी अब हमारे बीच नहीं रही। साहिर जब साहिर प्लीज वक्त जाया मत करो, डू इट।